सीएम योगी ने अफसरों को दिया निर्देश, रिश्वत लेने अवैध वसूली करने वालों की पहचान कर करें कार्रवाई। रिश्वत लेने वसूली और आमजन के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अफसर और कर्मियों की पहचान कर कार्रवाई करें। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान डीएम एस राजलिंगम को दिया। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण कर काम में तेजी लाएं और लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके बाद सीएम ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से कहा कि पेशेवर अपराधियों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें। प्रस्तावित पुलिस भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण ढंग से संपन्न करें। बीड़ चौकी थानावार गुंडों की सूची तैयार कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। माफिया और उनके गुर्गों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। समीक्षा बैठक में डीएम ने मुख्यमंत्री को बताया कि रिंग रोड फेज टू के कार्य, गंगा में पुल और संपर्क मार्ग के एक लेन का कार्य फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। मोहन सराय कैंट 6 लेन मार्ग चौड़ीकरण के कार्य में लगातार देरी पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि अतिरिक्त प्रयास कर परियोजना को पूरा करें। सीएम ने कहा कि लहरतारा बीएचयू विजय सिनेमा 4 लेन मार्ग चौड़ीकरण के कार्य गुणवत्ता के साथ कराएं। कज्जाकपुरा आरओवी का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराएं। डीएम ने कहा कि पांडेपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और पिंडरा में होम्योपैथी कॉलेज का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराएं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि मार्कंडेय महादेव के पास प्रस्तावित सड़क के संबंध में वार्ता कर काम आगे बढ़ाएं। वर्षों से एक ही स्थान पर जमे लोगों का तत्काल करें तबादला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि वर्षों से विभिन्न स्थानों और फील्ड कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक देनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाए तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स। जमे लोगों को चिन्हित कर तत्काल उनको स्थानांतरित करें। नक्शा प्रक्रिया को सरल बनाएं। सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लिफ्ट कैनाल के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा। विभाग आपस में तालमेल बैठाकर करें काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों में अंतर विभागीय समन्वय अति आवश्यक है। वह राजकीय निर्माण निगम के कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाकर उन्हें समय से पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि लहरतारा बीएचयू विजय सिनेमा 4 लेन मार्ग चौड़ीकरण के कार्य गुणवत्ता के साथ कराएं। कज्जाकपुरा आरओवी का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराएं। डीएम ने कहा कि पांडेपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और पिंडरा में होम्योपैथी कॉलेज का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराएं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि मार्कंडेय महादेव के पास प्रस्तावित सड़क के संबंध में वार्ता कर काम आगे बढ़ाएं। वर्षों से एक ही स्थान पर जमे लोगों का तत्काल करें तबादला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि वर्षों से विभिन्न स्थानों और फील्ड में जमे लोगों को चिन्हित कर तत्काल उनको स्थानांतरित करें। नक्शा प्रक्रिया को सरल बनाएं। सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लिफ्ट कैनाल के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा। विभाग आपस में तालमेल बैठाकर करें काम।